तो जैसा कि मैं पहले पता था कि हमने स्कैटरिंग थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है अपने पहले वीडियो में, व्हाट इज़ क्वांटम स्कैटरिंग, और उसके बाद हमने बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से मतलब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालने का जो तरीका है, मतलब फॉर्मूला है, सिर्फ देखा है। लेकिन आज हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड अंडर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल्स। तो टॉपिक होगा टू कैलकुलेट स्कैटरिंग पोटेंशियल, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड अंडर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। तो बिफोर डिस्कसिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्रीन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसका काफ़ी यूज़ होता है यहाँ पर, ग्रीन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर। तो कोई भी ऑपरेटर का अगर ग्रीन फंक्शन, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ग्रीन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर, मान लीजिए ऑपरेटर यहाँ पर एल है, इज़ डिफाइंड एज एल जी आर कॉमा आर डैश इज इक्वल टू डेल आर माइनस आर डैश। तो यहाँ पर एल एक ऑपरेटर है, जी इज़ द ग्रीन फंक्शन, तो मैंने बोला ग्रीन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर एल इज गिवन बाई डेल आर माइनस आर डैश। तो डेल आर माइनस आर डैश इज डिराक फंक्शन। नाउ इफ द ग्रीन फंक्शन इज नोन, इफ द ग्रीन फंक्शन इज नोन, अगर हमें ग्रीन फंक्शन पता हो, देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैन बी गिवन बाय एल ऑपरेटर साई आर डैश इक्वल टू एफ आर डैश। ओके, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से साई का जो वैल्यू होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ जी आर कॉमा आर डैश एफ आर डैश डी आर डैश होता है। दैट मीन्स हमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कोई भी ऑपरेटर अगर हम ग्रीन फंक्शन के साथ लिखते हैं और डिफाइन करते हैं तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो कुछ इस तरह होता है, शाई इक्वल टू जी आर आर डैश एफ आर डैश डी आर डैश। और अगर मैं एफ आर डैश का मतलब डायरेक्ट वैल्यू इन दोनों इस इक्वेशन के साथ लिखूँ तो उसका वो डेल आर माइनस आर डैश के इक्वल हो जाता है। नाउ थोड़ा हम और आगे देखते हैं, तो ग्रीन फंक्शन फॉर डेल स्क्वायर ऑपरेटर, तो सिंस इन स्कैटर्ड वेव देयर इज ए फैक्टर 1/r, जो हमने प्रीवियस वीडियो देखा था क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी का, तो उसमें मैंने कहा भी था स्कैटर्ड वेव इज डिवाइडेड बाय आर, तो एक फैक्टर 1/r आता है। तो ग्रीन फंक्शन फॉर डेल स्क्वायर ऑपरेटर देख रहे हैं हम, तो डेल स्क्वायर को हम 1/r पर ऑपरेट करेंगे। सपोज मान लीजिए रफली मैं ऑपरेट करता हूँ तो कैसा होता है, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 1/r² डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर 1/r। तो आप समझेंगे कि ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, अगर मैं रफली आपको दिखाऊँ तो यहाँ से r² और r² कैंसिल और डेल डेल आर डेल स्क्वायर बाई डेल आर स्क्वायर मतलब डेल स्क्वायर 1/r हो गया। तो इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करता हूँ तो 1/r²
del by del r r square, और del by del r of 1 by r अगर मैं differentiate करूँ तो उसका value आता है कुछ ऐसा minus 1 by r square. तो फिर मैं इसको मैं और थोड़ा फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो उसका वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो उसका वैल्यू माइनस वन. और कोई भी डेल बाई डेल आर ऑफ माइनस वन और किसी का भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू आता है जीरो. तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो. दैट मीन्स एट आर इक्वल टू जीरो द एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड, एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं. डिफाइंड टॉपिक का नाम मैंने श्योरली बॉर्न अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम ग्रीन फंक्शन पहले पढ़ेंगे ऑफ एन ऑपरेटर, क्योंकि ये बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में आगे जाके काम आएगा. तो नाउ सपोज वी प्रोसीड इन अनदर मैनर, सपोज वी प्रोसीड proceed, let del square 1 by r is equal to divergence of f. तो del square 1 by r is divergence of f, then मैं यहां से कह सकता हूं कि f is nothing but gradient of 1 by r. okay, तो f is gradient of 1 by r, or we can calculate gradient of 1 by r. तो f is equal to माइनस आर कैप बाई आर स्क्वायर. अब आपको यहाँ पर डाउट होगा कि हमने ग्रेडियंट ऑफ आर कैसे कैलकुलेट किया है वन बाई आर, तो मैं उसका एक बेसिक इजी फॉर्मूला है मैं आपको लिख देता हूँ. यहाँ देखिए आप, ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन आर टू द पावर एन शुड इक्वल टू एन आर एन माइनस टू आर वेक्टर. ओके, तो इसे आप 1 बाई आर को क्या लिख सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर माइनस वन, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वन आर माइनस वन माइनस टू आर वेक्टर. तो उसका जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, माइनस वन वन बाई आर क्यूब आर वेक्टर. ओके, और इसको मैं थोड़ा और लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं आर वेक्टर बाई आर क्यूब, और इसको और मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊँ तो किसी भी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड बाई आर क्यूब. तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आर से एक आर कैंसिल, तो माइनस आर कैप बाई आर स्क्वायर. तो ग्रेडियंट ऑफ वन बाई आर इज माइनस आर कैप बाई आर स्क्वायर. तो हमें f का वैल्यू पता था, ग्रेडियंट निकाल के हमने कैलकुलेट कर दिया. नाउ इवैल्यूएटिंग डाइवर्जेंस ऑफ f, ओके, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि डेल स्क्वायर 1 बाई आर इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ f. तो इवैल्यूएटिंग डाइवर्जेंस ऑफ f एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन, तो उसके लिए क्या कंसीडर करना पड़ेगा, कंसीडर ए स्फीयर, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर. ओके, सराउंडिंग द ओरिजिन, सराउंडिंग द ओरिजिन, सो फॉर द सर्फेस इज स्फेरिकल ना, सो इंटीग्रेटिंग ओवर स्फेरिकल सर्फेस, सो इंटीग्रेटिंग ओवर स्फेरिकल सर्फेस शुड बी वॉल्यूमेट्रिकल, देन डेल स्क्वायर वन बाई आर डी टाउ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सर्फेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉस डी एस. एक्चुअली इसको अगर मैं पहले से थोड़ा और मॉडिफाई करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट एफ डी टाउ, एंड आफ्टर दैट मैं इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता हूँ, तो वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल में दो
डबल इंटीग्रेशन होते हैं, तो दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस कैन बी रिटेन एज माइनस वन बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन. नाउ दिस आउटर इंटीग्रेशन फाई ऑलमोस्ट डिपेंड्स फ्रॉम जीरो टू टू पाई, और ये होता है फाई सॉरी थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई. तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, फाई हमेशा जीरो से टू पाई में रहता है एंड थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई में रहता है, अंदर रहेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम. तो इंटीग्रेशन का सिस्टम क्या है कि पहले डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं एज इट इज़ रख देता हूँ यहाँ पर, फाई इक्वल टू जीरो टू टू पाई को मैं रख देता हूँ, अंदर क्या है साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, और इसमें लिमिट क्या लगा हुआ है जीरो टू पाई. लेकिन डी फाई तो अभी बचा है मेरा, तो डी फाई बाहर ही रह जाएगा, तो उसको और एक स्टेप थोड़ा एडवांस में लिखेंगे. तो उसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, फाई इक्वल टू जीरो टू टू पाई, जीरो टू टू पाई, इसमें लिमिट बिठाऊंगा तो मैं ये पहला लिमिट अपर लिमिट हो जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस एंड माइनस माइनस इज प्लस कॉस जीरो, अपर लिमिट पाई है तो बिठाएं पाई, लोअर लिमिट जीरो है, और कंप्लीट डी फाई. तो इसका आगे जाके अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो ऐसे कुछ आएगी, फाई इक्वल टू जीरो टू टू पाई माइनस ऑफ कॉस पाई, कॉस पाई इज माइनस वन, सो माइनस ऑफ कॉस पाई इज वन प्लस कॉस जीरो हमको पता है वन डी फाई. अब वन प्लस वन इज टू, तो टू तो बाहर ऑफ कॉन्स्टेंट होगा, इंटीग्रेशन तो बाहर आ जाएगा, फाई इक्वल टू जीरो टू टू पाई डी फाई. तो डी फाई का जो इंटीग्रेशन है, सॉरी हमने एक मिस्टेक कर दिया, हर एक क्योंकि हमारे पास बाहर भी एक इंटीग्रेशन के बाहर एक माइनस लगा हुआ है, तो सब हर में माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस टू फाई जीरो टू टू पाई. तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा माइनस टू इंटू टू पाई, तो दैट इज माइनस फोर पाई. दिस इम्प्लाइज मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल स्क्वायर वन बाई आर कैन बी रिटन एज माइनस फोर पाई. तो यहाँ से मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल स्क्वायर वन बाई आर डी टाउ कैन बी रिटन एज माइनस फोर पाई. ओके, और यहाँ से मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ डेल स्क्वायर वन बाई आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो ऐसा कुछ हो जाएगा माइनस फोर पाई डेल आर, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस फोर पाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड. ओके, क्योंकि डेल आर कैन बी रिटन एज डेल एक्स डेल वाई डेल जेड. तो जैसा कि हमने देखा है डेल स्क्वायर वन बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस फोर पाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड. नाउ लेट शिफ्ट ओरिजिन फ्रॉम आर टू आर डैश, शिफ्ट ओरिजिन फ्रॉम आर टू आर डैश. ओके, तो जब हम शिफ्ट करेंगे ओरिजिन तो मैं इसको कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर वन बाई आर माइनस आर डैश को मैं अगर लिखूँ तो ऐसे लिख सकूँ डेल एक्स माइनस एक्स डैश डेल वाई माइनस वाई डैश डेल जेड माइनस जेड डैश. ठीक है, उसके मैं और थोड़ा अगर मोडिफाई कर देता हूँ तो ऐसा मैं कर सकता हूँ
del square 1 by minus 4 pi, ये जो minus 4 pi इसको इस तरफ ले, minus 4 pi r minus r dash is equal to del x minus x dash y minus y z z minus z को मैं simply लिख सकता हूँ r minus r dash. Now अगर मैं इसको simply green operator, green function of an operator से compare करूँ, g r r dash is equal to del r minus r dash, तो यहाँ पर जो g r minus r dash उसका value क्या आ रहा है, 1 upon minus 4 pi r minus r dash. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ g r minus r dash का जो वैल्यू है वो आ गया 1 upon minus 4 pi r minus r dash, जो कि आगे जाके बॉन्ड स्कैटरिंग, बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन में काफी यूजफुल रहेगा ये रिलेशन. तो इतना ही था ग्रीन फंक्शन में, जो इम्पोर्टेंट टर्म है यही था. थैंक यू.